38 सीटें मिलती हुई दिख रही है। और पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को बढ़त और छोटी मोटी नहीं, 76 से 90 सीटें, 117 की विधानसभा सीटों पर 76 से 90 सीटें। अब जरा इन एग्जिट पोल पर हम बातचीत कर लेते हैं। लगातार दिनेश जी हमारे साथ बने हुए थे। दिनेश जी, हम यूपी से चर्चा करते हुए आपसे आगे बढ़ता हूं। यूपी में जिस तरह का एग्जिट पोल आया उसके बाद मैं आपके साथ ही यहाँ दारिश सिद्दीकी साहब से भी बात करूंगा। ये सीटें कम जरूर हुई हैं लेकिन असर जरूर कम नहीं हुआ है। डबल इंजन की सरकार खींच लाई है सर्वे में। तो बिल्कुल विजय जी, जो है सीटें कम होना बड़ा स्वाभाविक है। एक बार जब आप बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं, पिछले साल का ये जो चुनाव परिणाम थे तो इस बार आपको एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं तो थोड़ा दिखनी थी, लेकिन आपने कितना डैमेज कंट्रोल किया। लेकिन इसमें जो सबसे आश्चर्यजनक चीज़ ये है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जिस राज्य में सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती थी, आज वो सबसे कमज़ोर खिलाड़ी के तौर पर है। तो उसका जो वोट है वो आखिर गया कहाँ, ये भी जब सर्वे डिटेल सर्वे जब सामने आएगा एग्जिट पोल का, तो उसमें ये पता लगेगा कि जो जिस जाटा वोट पर बहुजन समाजवादी पार्टी राजनीति करती थी वो क्या पूरा भारतीय जनता पार्टी को चला गया, या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने थोड़ा उस पर कुछ वोट शेयर किया हुआ है। क्योंकि वहाँ का जिस तरह का वोटों का गणित है, या भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि नॉन यादव ओबीसी वोट, तो नॉन यादव पर जब आप फोकस करते हैं तो बहुत सारे जो जिसे हम कहते हैं ना कास्ट इंजीनियरिंग कर लीजिए, सोशल इंजीनियरिंग तो नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट इंजीनियरिंग को बहुत ढंग से किया है। अन्यथा ये जो 262 की जगह हम ये देख सकते थे कि 162 पर भी टिक सकती थी। तो इसमें कास्ट इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। और एंटी इनकम्बेंसी को रोकने में जो डबल इंजन की सरकार है, या मोदी जी और योगी जी का जो चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े काम आया है जी। दानिश सिद्दीकी साहब, पिछली बार से सीटें जरूर आपकी बढ़ती हुई दिख रही है लेकिन बहुमत में नहीं दिख रहे। आप तो 300 सीटों का दावा कर रहे हैं, ऐसा सर्वे में कहीं नहीं दिख रहा है। ये जनता का जनादेश आपको 10 मार्च को पता चलेगा और हम लोग सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से जनता के बीच में रहकर जनता के हितों के लिए काम किए हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछली 2012 से 2017 की सरकार में जो काम किए हैं उसको जनता कतई नकारेगी नहीं। इस बार हम लोग सरकार में जरूर आएंगे। जिस तरीके से मेट्रो रेल अखिलेश जी ने चलाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया और आईटी सिटी हब बनाया, विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाया। योगी के खिलाफ वो चेहरा था जिसको लेकर आप चुनाव लड़े, कि अखिलेश यादव वो चेहरा थे जिसको इतने वोट मिल पाएंगे। अखिलेश यादव जी ही वही वो चेहरा हैं जो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। मैं वोट साइकिल का बटन सर्वे के अनुसार बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर्वे में वो चेहरा नहीं दिख रहे, इसलिए वो है, वो आगे भी है, आगे भी रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ क्योंकि आप डिबेट को कहीं और लगे, आपके साथ मुझे भी जाना पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो मुद्दे रखे, जो आतंकवाद के मुद्दे हावी रह गए, आवारा पशु के मुद्दे हावी हो गए, आप लगातार आरोप लगाते रहे कि इनकी सरकार में क्या हुआ, ये गुंडों को रोकने की बात करते हैं, यहाँ धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश की, यहाँ आपने आपकी पार्टी ने कई ऐसे सवाल उठाए हैं पिछली सरकार पर जिसको लेकर आप इन चुनाव में बहुत मजबूती से आगे बढ़े, लेकिन वो मजबूती इस सर्वे में नहीं दिखी। सर्वे जनादेश तो नहीं है ना, जो तो जनता का जो जनादेश है सर्वे का एक हद तक की जो है सम्मान भी करते हैं, लेकिन ये सर्वे आखिरी पड़ाव नहीं है। ये सर्वे पूरी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता का सर्वे तो नहीं है ना। और जनता का जनादेश आ रहा है, साइकिल सदन में पहुंच रही है, माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का भविष्य सुधारेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता, बदहाल जनता को जो है अच्छी विकासवादी सरकार देने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूर्ण रूप से अपने सारे जनता को, उत्तर प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद भी अदा करता हूं कि उन्होंने साइकिल वाला बटन दबाया है और अच्छी सरकार लाने के लिए जो काम किया है उसके लिए धन्यवाद भी देते हैं। सर्वे की बात जहां तक रही तो उसको मैं अपने हिसाब से देखता हूं, तो सर्वे आपने जितने भी ये सर्वे किए हैं तो वो
सर्वे उलटफेर भी हुए हैं, इससे पहले भी सरकारों में एग्जिट पोल दराशाई हुआ है। तो आज जनता का जनादेश जिस तरीके से हम लोग ने देखा, हम लोग चुनाव में रहे, जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ रही थी, हम लोग आगे आगे चलने, हम लोग के साथ जनता चल रही थी। तो इसका भी आप हम लोगों चलिए चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। गोवा में किस तरह का माहौल है, क्या कह रहा है सर्वे, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। महा एग्जिट पोल में कांग्रेस को 16 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 14 सीटें मिल